अलिगेंट कोलेटरल लिगामेंट रहता है बट एल्बो में जबरन वाला वो खासतौर से डैमेज हो जाता है। तो किसी भी लिगामेंट का रिपेयर करो, रिपेयर के बाद 6 महीने चीजें कमजोर रहती है। अगर कोई खिलाड़ी 6 महीने तक गेम नहीं खेले तो खत्म हो जाएगा वो। तो रिपेयर के ना रिजल्ट बड़े खराब है ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर के, खासतौर से खिलाड़ियों के अंदर, क्योंकि अगर किसी चीज में अगर 1.5-2 महीने का रेस्ट आ जाए, प्लास्टर लग जाए, फिर 6 महीने तक अगर आप गेम नहीं खेलो तो फिर गेम बिल्कुल ही नहीं खेल पाते। सो अलिगेंट कोलेटरल लिगामेंट बार बार क्रॉनिक स्ट्रेस कर करके ये चीज उनको तंग करती रहती है। ये चीज आते हैं तो हमारा एल्बो भी अनस्टेबल होता है, हिलता रहता है, वो धीरे धीरे अर्थराइटिस भी होती रहती है। तो पहले तो टीयर हुआ, टीयर की वजह से वो एल्बो हिल रहा है और गिर रहा है, तो एल्बो में पेन और आर्थराइटिस, आप गेम खेल ही नहीं पाओगे, दर्द ही बैठ जाएगा। तो रेस्ट से ठीक नहीं होती चीजें, तो इसके अंदर छोटी सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी में क्या होता है, जो लिगामेंट होता है ना उसको रिपेयर कर दिया जाता है। सर्जरी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्जरी करने के बाद अगर वापस रेस्ट पे डाल दिया तो गेम में कभी नहीं खेल पाएगा। सर्जरी रिपेयर को 6 महीने लगते हैं मजबूत होने में, तो दीवार बनती है आरसीसी की तो कुछ टाइम लगता है ना मजबूत होने में, तो बल्लियां नहीं लगी होती, तो बल्ली हट जाती है। इसको 6 महीने चाहिए रेस्ट, 6 महीने रेस्ट मिलेगा तब तक तो गेम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अब क्या करते हैं कि हम लोग अंदर ही ब्रेस बनाए, ये एंकर डाला और ये फाइबर टेप डाला, अल्टर कोलेटर लिगामेंट को रिपेयर किया। रिपेयर कराने के बाद इसको बचाने की जरूरत है, तो एक एंकर यहाँ डाला, एक एंकर यहाँ डाला और हमने अंदर ही ब्रेस बना दिया। अंदर ही ब्रेस बन दिया मतलब इसको अंदर ही प्रोटेक्शन मिल गया बेटा, तो बाहर प्लास्टर लगाने की जरूरत नहीं है। 3 महीने में स्पोर्ट्स की तैयारी चल जाती है, तो इसके अंदर एक भी दिन रेस्ट नहीं होता, अंदर ही ब्रेस है। ये ब्रेस आपको बचाता है सेकेंडरी इंजरी से। सेकेंडरी इंजरी का मतलब ये है, एक बार जब लिगामेंट हमने रिपेयर या रिकंस्ट्रक्ट किया, कुछ भी किया, उसको सेकेंडरी इंजरी तो हो सकती है ना। 6 महीने तक जो इंजरी हुई, चाहे गेम में या गिर गया, वो उसको चीजों को डैमेज करेगा। इस तरह से जो री इंजरी होगी लिगामेंट की, एसीएल पीसीएल में कोलेटरल एंकल जिसकी भी, 6 महीने तक होगी तो टूट जाएगा। अंदर ही ब्रेस दे दिया तो ये आपको री इंजरी से बचा, हीलिंग फेज मेरा चलेगा 6 महीने तक। यही तरीका है जो सक्सेसफुल। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगा, आपके फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।